हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैम्ब्रिज ए मॉल ऑफ विजडम। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फैराडे का प्रथम नियम तथा उससे संबंधित कुछ एक न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी हमने किए थे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे फैराडे का द्वितीय नियम, और उसमें हम देखेंगे फैराडे का द्वितीय नियम होता क्या है तथा इससे रिलेटेड जो मेन फॉर्मूलाज हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो फैराडे का प्रथम नियम है वो हमको क्या कहता है कि कोई भी विद्युत अपघटन है उसके विद्युत अपघटन के दौरान इलेक्ट्रॉनों पे मुक्त होने वाली मात्रा W है वो किसके बराबर होती है, जेड क्यू के, या फिर हम इसको क्या लिख रहे थे, ई बटा 96500 इंटू क्यू, या फिर हम इसको क्या बोल रहे थे एम मोलर मास बटा 96500 इंटू एन फैक्टर इंटू क्यू, ये हम बोल रहे थे। क्लियर? फिर फैराडे का दूसरा नियम हमको क्या कहता है कि यदि एक से अधिक विद्युत अपघट्यों का विलयन है और उसमें हम समान धारा समान समय के लिए प्रवाहित करें तो जो मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉनों पे मुक्त होने वाले जो पदार्थ हैं उनकी मात्राएं उनके विद्युत रासायनिक तुल्यांकों या फिर तुल्यांकी बारों के अनुपात में होती है। इस चीज को समझिए आप, जैसे दो विद्युत अपघट्यों का विलयन है, समझने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, सामान्यतः जब विद्युत अपघटनीय सेलों को किस संयोजन में करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम में, किसमें, श्रेणी क्रम में विद्युत धारा है वो क्या रहती है, सेम रहती है, विद्युत धारा है वो क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक, और पैरेलल के अंदर क्या रहती है, वोल्टेज सेम रहती है। ठीक है, जैसे ये दो कोई विद्युत अपघटनी सेल हैं, हम समझने के लिए ऐसे ही ले रहे हैं, इनको श्रेणी क्रम में हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब इसमें हमने करंट पास की आई, ठीक है, अगर एम्पियर में, अदरवाइज कूलम में देखें तो क्यू, ये हमने पास की इन दो विद्युत अपघटनी सेलों में। ठीक है, तो इनके अंदर जो करंट क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, अब अगर यहाँ पे किसी विद्युत अपघट्य की मात्रा जो इलेक्ट्रोड पे मुक्त हो रही है वो है डब्ल्यू वन, यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू टू। ठीक है, तो फैराडे के प्रथम नियम हमको क्या कहता है कि जो विद्युत अपघट्य की मात्रा यहां पे मुक्त होगी इलेक्ट्रोड पे पहले सेल पे वो W1 बराबर क्या होगी, Z1 Q, या फिर हम लिख सकते हैं E1 या फिर M1 NF1, ये सारा हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, इसको ले लिया समीकरण नंबर हमने एक। इसी प्रकार जो दूसरा विद्युत अपघट्य है, फर्स्ट विद्युत अपघट्य के लिए W1 लिया हमने, सेकंड विद्युत अपघट्य के लिए हमने क्या लिया, W2, तो W2 है वो क्या रहेगी, इसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z2 Q, या फिर हम लिख सकते हैं क्या, E2, क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन 96500, या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको, M2 बटा 96500 N फैक्टर 2 इंटू Q, ये हम लिख सकते हैं, ये समीकरण आपकी होगी दो। अगर मैं समीकरण एक को डिवाइड कर दूं दो से, समीकरण एक को दो से डिवाइड कर दिया यानी एक बटा दो, तो W1 बटा W2 बराबर, देखिए Z1 बटा Z2, Q से Q क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, यानी Z1 बटा Z2 इक्वल टू, अगर इसी प्रकार इसमें देखेंगे 96500 से 96500 Q से Q है वो कट हो जाएगा यानी E1 बटा E2, इसी प्रकार इसमें अगर हम देखें, इसमें देखें तो M1 बटा NF1, ठीक है, 96500 Q तो क्या हो जाएंगे, कट बचेगा क्या, M1 बटा NF1, इधर क्या बचेगा, M2 बटा NF2, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो NF2, ठीक है, N फैक्टर 2, गाइस यही आपका क्या है, फैराडे का विद्युत अपघटन का जो आपका दूसरा नियम है वो है, बस इतना आपको याद रखना, इससे आप हर प्रकार की कैलकुलेशन वो कर सकते हैं। ठीक है, वापस देखें क्या है फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम है यदि दो या अधिक विद्युत अपघट्यों को हम इसमें संयोजित करते हैं श्रेणी क्रम में, या फिर हम ऐसे कहें कि दो या अधिक विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान धारा समान समय के लिए प्रवाहित करें, यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, समान धारा समान समय के लिए, आप ये बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं समान आवेश, समान आवेश, क्योंकि यहां पे क्यू क्या है, चार्ज, ठीक है, कूलम में, ठीक है, तो आप दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं, यदि किसी विद्युत दो या दो से अधिक विद्युत अपघट्य विलयन में समान आवेश अगर हम प्रवाहित करें तो इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त होने वाली मात्राएं उनके ये Z1 और Z2 के विद्युत रासायनिक तुल्यांकों के अनुपात में होंगी अथवा तुल्यांकी बारों के अनुपात में होंगी,
यही आपका क्या है फैराडे का दूसरा नियम। अपना फॉर्मूला आया वो क्या आया W1 बटा W2 = E1 बटा E2 या फिर हम बोल सकते हैं Z1 बटा Z2। ठीक है, ये फॉर्मूला आया अपना फैराडे के दूसरे नियम से। तो इस नियम से हम क्या कह सकते हैं कि जो ग्राम तुल्यांक है वो क्या होंगे, देखिए तुल्यांक की भार के बराबर मात्रा मुक्त हो रही है, किसके बराबर मुक्त हो रही है, तुल्यांक की भार के बराबर मात्रा है वो मुक्त हो रही है। हम ग्राम तुल्यांकों की संख्या अगर ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, ग्राम तुल्यांकों की संख्या हम बताएं, तो ग्राम तुल्यांकों की बराबर क्या होता है, ग्राम में मात्रा क्या होती है, ग्राम में मात्रा बटा तुल्यांकी भार क्या होती है, तुल्यांकी भार। ग्राम तुल्यांकों की संख्या अगर हम निकालें तो ठीक है, तो अगर ग्राम तुल्यांकों की संख्या अगर हम पहले जो आपके इलेक्ट्रोड है पहले जो विद्युत अपघट्य के विलयन से निकालें तो उसके लिए कितनी आएगी, ग्राम में मात्रा इसकी कितनी है W1 बटा इसका तुल्यांक की भार E1। लेकिन यहाँ पे देखें W1 किसके बराबर होगा, E1 के, क्योंकि क्या है ये तुल्यांक की भार के बराबर मात्रा में तो रही है, यानी कितना आएगा A। तो इसका सेकंड के लिए हम निकालेंगे, सेकंड के लिए क्या आएगा W2 बटा E2, क्योंकि ग्राम में मात्रा इसकी कितनी है W2 और जो इसका तुल्यांक की भार है E2। लेकिन ये W2 किसके बराबर मुक्त हो रहा है, अगर समान धारा समान समय के लिए प्रवाहित की गई तो तुल्यांक की भारों के अनुपात में, यानी इसके लिए जो मात्रा कितनी रहेगी E2 बटा E2 यानी एक। आपको सीधा सा सीधा इतना याद रखना है, एक और पॉइंट है जो आपको कैलकुलेशन में बहुत काम में आने वाला है, वो क्या है, यदि समान आवेश प्रवाहित किया जाए या फिर समान धारा समान समय के लिए प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पे जो मुक्त होने वाले ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होती है, समान होती है, क्या होती है, समान। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 10 फेरेड धारा कितनी, 10 फेरेड धारा AlCl3 NaCl CuSO4 कितने भी ले सकते हैं आपकी मर्जी है, ZnSO4 इनके विलयन के अंदर हमने प्रवाहित की। ठीक है, 10 फेरेड धारा AlCl3 NaCl CuSO4 और ZnSO4 के विलयन में हमने प्रवाहित की, तो इनके लिए जो ग्राम तुल्यांकों का अनुपात क्या होगा, इनके लिए सदैव ग्राम तुल्यांकों का अनुपात क्या रहेगा, समान, यानी एक अनुपात एक। यदि धारा का मान समान है तब, क्लियर, यदि AgNO3 तथा CuSO4 विद्युत अपघट्य के विलयन श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है, और यदि समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो जो सिल्वर है उसके 10.8 ग्राम निक्षेपित होते हैं तो निक्षेपित Cu का द्रव्यमान क्या होगा। आसान सा सवाल है, देखते हैं, हमको फैराडे का द्वितीय नियम हमको क्या कहता है कि W1 अपॉन W2 = क्या होता है, E1 अपॉन E2। ठीक है, यानी आप क्या कह सकते हैं, WCU बटा WAG = E है वो CU का बटा E है वो AG का। ठीक है, हमको दिया हुआ क्या है, WAG का मान दिया हुआ है 10.8 ग्राम, ECU यानी कॉपर का तुल्यांक की भार क्या होता है, तुल्यांक की भार बराबर हमने देखा था M बटा N फैक्टर, M का मान कितना, इसका जो परमाणु भार है वो कितना होता है 63.5, N फैक्टर का मान 2 दिया गया। EAG बराबर क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट सॉरी एटॉमिक वेट था इसका N फैक्टर, M का मान इसके लिए कितना होता है 108, N फैक्टर का मान 1, बस यही हमको लिख देना है। तो WCU बटा जो मात्रा रिलीज हुई निक्षेपित हुई वो कितनी थी 10.8 ग्राम, ECU का मान 63.5 बटा 2 बटा में क्या है आपके EAG का मान कितना है 108, तो WCU है वो कितना आ गया 63.5 बटा 2 गुणा 108 इंटू 10.8, इसको हम इससे काटेंगे 10 बार यानी 63.5 बटा 20 कितना आ गया 3.1 और 7 ग्राम लगभग।